हेलो गाइस, ओम साई राम। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। हम भी क्या, मैं भी अच्छी हूँ। दोनों तो मेरे हैं नहीं, और मेरे दोनों बिटिया तो गए, मैं अकेली हूँ। तो कोई बुला रहे हैं मुझे, तो वो लोगों भी वहाँ आए हैं शॉपिंग करने। मैं भी जा रही हूँ, तो वहीं मिलूँगी जहाँ पर मुझे बुलाए हैं। कहाँ बुलाए हैं और किन से मिलूंगी, आप लोगों को वहीं जा कर के पता चलेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ गाइस, लाइक कर दीजिए और जितना हो सके अपनी फैमिली में शेयर कीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए। तो चलिए, इस वजह से मैं वीडियो वीडियो मतलब मैं काफ़ी दिन से लोग कह रहे थे मैं नहीं कर रही थी, वो ब्लॉगिंग सबका देख रही थी, तो मैं भी सोची कि मैं भी करूं, क्योंकि मैं दोनों पहले तो बिजी रहती थी, पर दोनों मेरी बिटियां चले जाते हैं इधर उधर उनके काम से। अभी देखिए, बड़ी वाली गई 3 महीने के लिए, गई है, कब आती है देखिए। छोटी वाली भी चली जाती है 3 दिन 4 दिन ऐसे। तो इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग की कि आप लोगों से बात करूंगी, मेरे अकेलेपन का थोड़ा शेयर करूंगी, तो बिजी रहूंगी आप लोगों के जरिए से, बिजी रहूंगी, इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ। जैसे कुकिंग का दिखाती हूँ, तो कुकिंग का भी मैं पहले कुकिंग का वीडियो करती थी, तो खाना ज़्यादा ही बन जाता है। आप लोगों को पता है कुकिंग करो तो ज़्यादा ही बन जाता है, खाने वाले कोई है नहीं। तो इसीलिए मैंने फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट की, ताकि आप लोगों से मैं बिजी रहूं, ये ब्लॉगिंग के जरिए से आप लोगों के साथ बिजी रहूं, इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। तो प्लीज़ गाइस, कमेंट कीजिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। इसीलिए मैं अकेली रहती हूँ, इसीलिए आप लोगों के जरिए मैं थोड़ा खुश होने का, थोड़ा बातचीत करने का, बिजी अपने आप को रखूँ ये ब्लॉगिंग के जरिए से। तो कमेंट कीजिए तो अच्छा लगेगा, शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली में से। तो चलिए, कहाँ मैं जा रही हूँ, किन से मिलूँगी और किन के साथ जाऊँगी, वहीं पता चलेगा। चल, यही यही बुलाई है मुझे मिलने के लिए। हम न्यू ईयर पार्टी करेंगे, आज से शुरू हो गया हमारा। तभी मैं आप लोगों को बताई थी कि मैं किससे मिलने जा रही हूँ और कहाँ मिलने जा रही हूँ। ये देखिए, ऐसन में मुझे मिलने के लिए डेट दे रखा था भाभी को हमारा। हाँ। देखो, हम जहाँ भी जाते हैं भीड़ भी जाते, भीड़ होती है। चलिए गाइस, फिर बाद में मिलते हैं। हेलो गाइस, कल देखिए मेरे कैसे चेहरा फूल गया है। कल हम कंटिन्यू नहीं किए, ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वीडियो कंटिन्यू नहीं किए। आज पहला दिन है, मैं बाबा के पास आई हूँ। देखिए कितना राधा भी आई है और येरा पाली कबीर, हम ये सब मिलके साईं बाबा के पास आए हैं। देखिए कितना अच्छा दिन, दर्शन कर लिया और फिर दर्शन तो छोड़ा, मंदिर है। भीड़ देखिए, कहाँ लाइन लगाना है अभी तो पता नहीं चल रहा है। चलिए दिखाती हूँ मैं आगे। पैसे दे दो, ये है। चलो, हो गया हम लोगों का। क्या जाने जान भी करो, तो हमार श्रद्धा है ना। अब जाएंगे, देखते हैं गाइस कितना भीड़ है, क्या है। ठीक है, धर जगह जगह तुम्हें ठीक है वीडियो बनावी ना। चलो चलो, ठीक है, चलो।
देखिएगा इस मंदिर कैसे सजा है, देखिएगा इस रजनीगंधा से क्या सजा है। ये साई की ये फूल से पूरा मंदिर दुल्हन जैसा सजा है, पूरा फूलों फूलों से, इतना खुशबूदार, इतना सुंदर बाबा की मंदिर एकदम दुल्हन जैसी सजाएगा। इस मेरे बाबा महान है, देखिए बाबा मेरे बैठे हैं, बहुत सुंदर मेरे नी भक्त सरदार हैं, कैसे बैठे हुए हैं सबके लिए। यहाँ बाबा का विभूति मिलता है, ये शिरडी से आता है, ये विभूति पता है दादा, ये शिरडी से आता है ये विभूति। यहाँ छोटे छोटे पैकेट होते हैं, पैकेट में भरो ना, चम्मच खत्म हो गया होगा, छोटे छोटे यहाँ पैकेट मिलते हैं। मंदिर में जलाने नहीं देते जिया, इधर ही देखिए दिया जला रहे हैं, जला लिया। बहुत सुंदर आज के दिन मंदिर सजती है, ये क्रिसमस में और 1 जनवरी में मतलब नया साल में और मकर संक्रांति में बहुत सुंदर सजती है। गाइस ये लोधी रोड में है, आप लोग बाबा के पास आइए, बाबा हर मनोकामना पूरा करते हैं, हर किसी का दुख जानते हैं बाबा। का बाहर है गाइस, ये मंदिर का बाहर है, बहुत सुंदर बूटा पर गाइस, बाबा की मंदिर आने से घर आने से देखिए कितना खाने को मिलता है, भंडारा ये मिल रहा है, देखिए हर जगह भंडारा मिलता है, सारे लोग प्रसाद खा रहे हैं, प्रसाद है, भूखे कोई नहीं जाएगा बाबा के दरबार से। ये देखिए भंडारा, यहाँ इस घर में मंदिर से हाँ मंदिर से आ गई मैं घर, वो लोग उधर गए, मैं इधर आ गई,
तो बहुत भीड़ थी, ऐसे भी बहुत भीड़ होता है। एक बार तो बहुत मतलब पूरा क्या बताऊँ कैसे बताऊँ, बहुत भीड़ होता है आज के दिन, और मकर संक्रांति के दिन में बहुत भीड़ होता है। तो लाइन लग करके पूजा करके बाबा का दर्शन हो गई है अच्छी तरह से, थोड़ा वहाँ बैठे बाबा का ध्यान किए और घर आ गए। अच्छा लगा मुझे, तो मैं सोच रही थी कि मैं इस साल जा पाऊँगी नहीं पाऊँगी बाबा के पास, पर हो आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मन को खुशी मिल गई बाबा के पास हो करके। बाबा की कृपा है जो मैं जा पाई, उनकी भी इच्छा बिना कुछ नहीं होता है। तो चलिए मैं यही वीडियो रखती हूँ और वही कहूँगी जो हमेशा कहती हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, ओम साई राम।